वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 30 अप्रैल और हम कवर करेंगे 30 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, आज है 30 अप्रैल और कल होगा हमारा 1 मई। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं एक तारीख की, किसी भी मंथ की, तो आप लोगों क्या होता है, पूरे मंथ का टेस्ट होता है। तो आप लोग को याद रखना है और आज आप लोगों को तैयारी करनी है, पूरे मंथ का एक बार रिविज़न करना है और फिर कल टेस्ट देना है। आई होप आप लोग के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, जो कि मुझसे डेली पढ़ रहे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो आप लोग स्किप नहीं मत करिएगा 1 तारीख की वीडियो को, और आज की वीडियो देखना है और रिविज़न करना है पूरे मंथ का। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले, यदि कोई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप क्या कर सकते हो, हमको ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुरेश एन पटेल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो संजय कोठारी को, और यदि सतर्कता आयुक्त की बात की जाए तो सुरेश एन पटेल और शरद कुमार, ये दोनों ही इसका आंसर होंगे। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, मैंने आपको बताया था CVC, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, उसमें एक क्या होता है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, जबकि दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो दो सतर्कता आयुक्त ये रहे, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि एक तरीके का अध्यक्ष के रूप में आप इसे मान लीजिए, तो वो कौन है, संजय कोठारी हैं। अब यदि बात की जाए किसकी, सुरेश एन पटेल की, तो सुरेश एन पटेल ये रहे जो कि पूर्व आंध्रा बैंक के MD और CEO रह चुके हैं। क्या है, आंध्रा बैंक के पूर्व MD एंड CEO हैं। चलिए, अब यदि बात की जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना 11 फरवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली, संजय कोठारी इसके अध्यक्ष हैं। काम क्या होता है, तो भ्रष्टाचार गतिविधियों पर नज़र रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.2% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे कम अभी तक किसी ने यदि लगाया है तो मूडीज इन्वेस्टर ने, कि 0.2% जो है वो भारत की GDP रेट रहेगी 2020 में, जबकि इन्होंने अभी रिसेंटली मार्च में भी एक अनुमान लगाया था जो कि 2.5% था, और उससे घटाकर इन्होंने सीधा सीधा 0.2% पर भारत के लिए अनुमान लगाया है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि GDP जो है हमारे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। फिलहाल देखते हैं हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पहला आभासी पीटर वर्ग जलवायु संवाद किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी देश जो है उसने जलवायु संवाद क्या किया है, आयोजित किया है, और इस संवाद में भारत की ओर से, तो अब आपको पता होगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने क्या लिया है, इसमें हिस्सा लिया गया है। अब हिस्सा कैसे लिया होगा, तो आपको पता है ज़्यादातर मीटिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, इसी कारण से जलवायु संवाद कहा गया है, ना कि जलवायु सम्मेलन कहा गया है। अब यदि बात की जाए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पहले बता देता हूँ भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सभी को पता था कि भारत करने वाला था, परंतु भारत ने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया है। तो अब कौन कर रहा है ये, तो ऑप्शन डी यानी कि सर्बिया देश जो है वो अब इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब बात आती है, जब भारत के पास मेजबानी थी तो भारत ने कैसे गंवा दी? तो भारत का जो संघ था, यानी कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, उसने मेजबानी फीस नहीं भरी थी,
लापरवाही के चलते हुए मेजबान की फीस नहीं भर पाए। इसी कारण भारत को ये वन टाइम चांस मिला था जिसको भी भारत ने गंवा दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत में बैठे हैं जिन्होंने इतना अच्छा मौका गंवा दिया है। ठीक है, तो जब पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, तो बोला गया कि हाँ थोड़ी सी लापरवाही बरती गई है। तो ये भी इन लोगों को फ़िलहाल हमारे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ थी, क्योंकि पहली बार चीज़ मिल रही थी हम लोगों को, पहली बार मेज़बानी मिल रही थी और वो भी हम लोगों ने गंवा दिया है। फिलहाल बात करते हैं सर्बिया कंट्री की, जिसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। बोरिस टैडिक राष्ट्रपति हैं। सर्बियाई दिनार की मुद्रा है। और यहीं पर क्या किया जाएगा, सर्बिया के बेलग्रेड शहर में अब ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब यदि बात की जाए इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो यह है क्या, तो देखिए ये भारत का जो है बॉक्सिंग का महासंघ है, जिन्होंने लापरवाही कर दी है किसमें, लेट फीस भरने में, इसी कारण इनको ये नतीजा भुगतना पड़ा है। स्थापना इसकी 2015 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष कौन है इसके, साहे अली इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि गुजरात के गांधीनगर में इसका मुख्यालय स्थित है। अब पहले हम इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो इसकी स्थापना की गई है, तो क्यों की गई है। तो ये देखिए, व्यक्तियों तथा सरकारों को धन जुटाने का फंड जुटाने का काम करेगा, साथ ही साथ जितनी भी वित्तीय सेवाएँ होंगी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, ये सभी चीज़ें अब ये संभालेगा। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो ये है क्या प्राधिकरण, इसमें कितने सदस्य होंगे, पूरी डिटेल जानते हैं। तो इसमें 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 9 सदस्य होंगे, जिसमें से एक इसका अध्यक्ष होगा, एक वित्त मंत्रालय का कोई सदस्य होगा, एक RBI का सदस्य होगा, एक SEBI का सदस्य होगा, एक IRDAI का सदस्य होगा और एक PFRDA का सदस्य होगा। जब ये 7 सदस्य मिल जाएंगे तो इनके अनुसार 2 सदस्य और चुने जाएंगे, यानी कि टोटल 9 सदस्य की ये समिति बनाई जाएगी। काम मैंने आपको बता दिया है और ये इस्टेब्लिश की गई है, एक अधिसूचना के माध्यम से ये इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, चलिए अब यदि बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात ये रहा मैप में, राजधानी गांधीनगर, विजय रूपानी मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, जबकि राज्यसभा और लोकसभा की सीट क्रमशः 11 और 26 है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 29 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड डांस डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है, तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी यानी कि इरफान खान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनकी अभी कोई उम्मीद भी नहीं थी जाने की, परंतु ये सबको अलविदा कहकर चले गए हैं। इनको आपने काफ़ी बार TV सिनेमा पर देखा होगा, चाहे अक्षय कुमार के साथ हो, चाहे आपने वेब सीरीज हो, हर किसी में इनको देखा है। काफ़ी इनका अंदाज अच्छा था, बॉलीवुड में काफ़ी जाने माने हमारे वो थे एक्टर। फिलहाल अलविदा कह चुके हैं, 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और यदि बात की जाए तो इनको 2011 में पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, इनका जन्म जो है, जन्म स्थान वो कहाँ है, जयपुर में है, यानी कि राजस्थान में है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और लास्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी इनकी, तो लास्ट फिल्म हो जाएगी इनकी इंग्लिश मीडियम, जो कि इन्होंने रिसेंटली बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस समूह ने एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल शुरू की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि G20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो G20 समूह ने क्या की है, हाल ही में एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल शुरू की है, जो कि क्या है, तो ये जो 20 सदस्य हैं ना, उनके बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए क्या है, टूल्स एक्सीलरेटर है, साथ ही साथ COVID-19 से लड़ने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, अब G20 की यदि बात की जाए तो आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ है, वर्चुअल G20 सम्मेलन हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है
कि आपको क्या करना है, एक वृक्ष अपने पास लगाना है। अब एक वृक्ष से फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए आप जानते हो लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन कितना कम हो गया है, क्योंकि कोई चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अभी पेड़ लगाइए और हमारी जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको चेंज होने से रोकिए, क्योंकि यदि ये क्लाइमेट चेंज हो गया तो काफ़ी समस्या हमको देखने को मिलेंगी। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझाएगा कि इतनी ज़रूरत है हमको इस पेड़ पौधों की। आर्कटिक के ऊपर किस ध्रुव पर बना ओजोन छेद पूरी तरह से बंद हो गया है? तो पहली बात तो ये उत्तरी ध्रुव पर है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए कि ओजोन छेद की, तो ये होता क्या है, ओजोन परत क्या होती है, पूरी बात हम जानने को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओजोन लेयर की बात की जाए, तो ये क्षोभ मंडल, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो ट्रोपोस्फेयर, और समताप मंडल के बीच की करीब 15 से 30 किलोमीटर की ये क्या लेयर है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। और ये किससे रक्षा करती है हमारी, तो ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होती है, इसी कारण ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यदि बात की जाए जो उसमें छेद था वो बंद हो गया है, तो ये हमको बताया किसने है, कोई ना कोई तो बताएगा ना, तो ये बताया कैम्स ने, CAMS कैम्स ने, यानी कि कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस, ठीक है, इन्होंने ये हमको बताया है कि जो ओजोन छेद है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, बंद हो गया है, यानी कि ओजोन लेयर पर जो सबसे बड़ा छेद था वो क्या हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस बैंक ने भारत को 1.5 अरब डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ADB इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली क्या क्या है, इंडिया ने ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से COVID-19 में लड़ने के लिए क्या लिया है, 1.5 अरब डॉलर का ऋण लिया है, ठीक है, और किस योजना के तहत लिया है, तो देखिए केयर के तहत लिया है। अब केयर मतलब यानी कि COVID-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्होंने राशि ली है ADB से। अब यदि ADB की बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे मात्सुकु असकबा। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, किस देश में नाबालिगों को अब सजाए ए मौत नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन बी यानी कि सऊदी अरब इसका आंसर बिल्कुल सही था, साथ ही साथ 10 साल से ज़्यादा की भी वहाँ पर सज़ा नहीं दी जाएगी नाबालिगों को। अब यदि बात की जाए आज के प्रश्न की, तो हाल ही में अमेरिका ने OECD के लिए अपना अगला दूत किसे चुना है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ यदि आप लोग वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।